नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब मस्त होंगे और अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम 5 पॉइंटों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी फसल को गर्मियों के मौसम पर कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होंगी और कौन कौन से कार्य करने पड़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। और दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल में यदि आप पहली बार आए हैं ना तो जो लाल बटन आपको दिख रहा है उसको प्रेस करें तो आप चैनल के सदस्य बन जाएंगे और आपको सारी जानकारियाँ मिल पाएंगी जो हमारे एग्रो जीवन परिवार के सारे सदस्यों को मिल पाती है। और इसके लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा कि साथ में जो आपका बेल आइकन जो दिख रहा है ना, आपको घंटे का निशान, उसको भी आपको प्रेस करना पड़ेगा। इससे होगा ये कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ ले पाएंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गर्मियों के मौसम पर फसल पर सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो समय का, कि आप किस समय पानी देते हैं, किस समय पर आप खाद देते हैं, किस समय पर आप हार्वेस्टिंग करते हैं। जो पॉइंट है दोस्तों वो है जल प्रबंधन, दूसरा है तापमान नियंत्रण, तीसरा है स्प्रे का समय, चौथा है खाद देने का समय, और पाँचवा और अंतिम है हमारा हार्वेस्टिंग का समय, कि हम फसल की तुड़ाई किस समय करें। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इन 5 पॉइंटों को विस्तार रूप से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट हमारा दोस्तों वो है जल प्रबंधन। तो जल प्रबंधन हम देखते हैं दोस्तों कि गर्मियों के मौसम पर जैसे ही हम पानी सिंचाई करते हैं तो वैसे ही धूप तेज होने के कारण वहाँ से वाष्पीकरण होकर पानी हमारा उड़ जाता है और हमारी ज़मीन वैसे सूखी की सूखी रह जाती है। गर्मियों के मौसम पर दोस्तों पानी देने का एक निश्चित समय होता है। आप कभी भी दोपहर के समय में उस पर पानी ना चलाएं, चाहे आप ड्रिप से चला रहे हों, चाहे आप स्प्रिंकलर्स के माध्यम से चला रहे हों, या फिर और कोई माध्यम से आप पानी दे रहे हों, आप दोपहर के समय पर बिल्कुल पानी ना दें। पानी देने का जो सही समय है वो सुबह 8 बजे के पहले और शाम को 6 बजे के बाद। यदि आप पानी देते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी जो फसल है वो स्ट्रेस में कभी नहीं आएगी, और आप जो पानी देते हैं वो भी आपके पौधे पर लगेगा, क्योंकि आप जब शाम के समय पानी देते हैं तो आप देखते हैं कि पूरी रात उसमें ठंडाई रहती है। ठीक है, जब रात में ठंडाई रहती है तो पौधा जो है उस समय पर स्टेबल हो जाता है। आप स्प्रिंकलर सेट के माध्यम से कभी भी पत्तियों पर पानी आप ना दें, ठीक है, नहीं तो आपका जो पौधा है वो पूरी तरीके से झुलस जाएगा। आपको जितना भी पानी देना है आप शाम के 5 बजे के बाद और सुबह 8 बजे के पहले दें। ठीक है, तो ये रही दोस्तों पानी की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि तापमान को कैसे नियंत्रण करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो के अंत में विशेष बात, और विशेष बात मैं आपको बताऊंगा कि फ्लावर ड्रॉपिंग की जो समस्या है उससे हम कैसे बच सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों तापमान को तो नियंत्रण करना हमारे हाथ में नहीं होता क्योंकि ये एक कुदरती प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी ओपन फील्ड पर एक हम काम कर सकते हैं कि जिस तरफ से हमारी गर्म हवाएँ चल रही हैं उस तरफ से आप किसी भी नेट जो हमारा हरा वाला होता है ना उसको आप ऐसा बाउंड्री उसकी बना दें, या फिर आप पहले से ही निश्चित कर लें कि आपकी जो फसल है उसके आसपास जो है आप मक्के की बीज की रोपाई कर दें। तो मक्का जैसे ही हाइट लेगा उसको घना रखें, आपको उससे भुट्टे से कोई मतलब नहीं है, उससे आपको सिर्फ इतना मतलब है कि उससे हवा क्रॉस होकर अंदर ना जाए, और जाए भी तो बहुत कम मात्रा में जाए। मक्के की यदि लाइन आप लगा देते हैं तो आप देखते हैं कि जो गर्म हवाएं हैं वो वहीं पर रुक जाती हैं, और आप देखते हैं कि आपका जो पौधा है वो तापमान से काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाता है। तो ये आप कर सकते हैं कि अपनी बाउंड्री के आसपास ग्रीन नेट भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो भुट्टे की यदि आप रोपाई करते हैं तो आपको पशुओं के लिए हरा चारा भी मिल जाएगा, और आप चाहें तो उसमें भुट्टे भी निकल जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि यदि आप ड्रिप से खेती करते हैं तो भी आप जो बीज की आपकी लाइन होती हैं आप हर 8 दिन में एक बार उसमें ज़्यादा पानी चला दें। ठीक है, आप ड्रिप में तो चलाएंगे ही पानी, साथ में यदि आप नाली में पानी छोड़ देते हैं, यदि आपके पास पानी एक्सेस है तो आप नाली के बीच में भी अगर पानी छोड़ देते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी जो गर्मी है वो कम हो जाती है और पौधों को थोड़ी ठंडक मिल जाती है, और ये पानी आपको शाम के समय देना होगा, ना कि दोपहर पर। तो इस तरीके से दोस्तों आप तापमान को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमारे तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा जो पॉइंट है हमारा दोस्तों वो है हमारा स्प्रे का समय। तो स्प्रे का समय बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि गर्मियों के मौसम पर पूरे दिन तापमान तेज रहता है और आपकी जो दवाइयां हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, खासकर इंसेक्टिसाइड तो गर्मियों के मौसम पर बिल्कुल भी काम नहीं करते। फिर आप कहते हैं कि हमने ये दवाई भी डाल दी, वो दवाई भी डाल दी, और हमें इसके कोई रिजल्ट नहीं मिले। तो उसका जो मेन कारण ये है कि गर्मियों में यदि आप स्प्रे करेंगे तो पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है, जो उसके सेल्स होते हैं, वो पत्ता जो है उसको सुखड़ लेता है। ठीक है, तो आप जितने भी इंसेक्टिसाइड डालेंगे सिस्टमेटिक वाले तो वो पत्तियों के अंदर जा ही नहीं पाएंगे। तो यदि आपको गर्मियों के मौसम पर स्प्रे करना है तो आप जो है शाम को 6 बजे के बाद स्प्रे करें। जितना लेट करेंगे आप उतना ही आपको रिजल्ट उसके बढ़िया मिलेंगे। दूसरा, यदि आप सुबह के समय करते हैं तो सुबह उठकर आप 5 बजे स्प्रे कर सकते हैं, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक।
तो आप देखेंगे आपका पौधा जो है वो खिला खिला रहता है उस समय पर, उसके जो सेल्स होते हैं वो खुले हुए होते हैं, तो उससे जो दवाइयाँ हैं हमारी वो अंदर चली जाती हैं, जो कि जो हमारे सिस्टमेटिक जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो फंगीसाइड हो चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो, इसके रिजल्ट हमें बेहतर मिलेंगे और बहुत बढ़िया मिलेंगे। और यदि वही स्प्रे यदि आप दोपहर पे करते हैं या धूप तेज में करते हैं, तो आप देखेंगे आपका जो पौधा है, एक तो वो बर्निंग रहेगी सबसे पहली बात तो ये है, आपकी फ्लावर ड्राप होंगे, ये सारी समस्याएं आपको आएंगी, और दूसरा आपको दवाई के रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए स्प्रे का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण समय है, इस बात को बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें, और स्प्रे का समय बिल्कुल आपको शाम या सुबह रखना ही पड़ेगा। थोड़ा सा ये मशक्कत वाला काम है, लेकिन क्या करें, हम खेती कर रहे हैं तो ये सारे हमें काम करने ही पड़ेंगे। दोस्तों खेती करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, क्योंकि किसान के लिए कुछ समय निश्चित नहीं है कि आपको कब काम करना है और कब नहीं करना है। किसान स्वतंत्र भी है और बहुत बंदिश में भी है। स्वतंत्र ऐसा है कि वो जब चाहे आप काम कर सकते हैं, जब चाहे आप काम नहीं कर सकते, लेकिन बंदिश आपके साथ ये भी है कि आपको रात में भी काम करना पड़ता है। ये तो मजबूरियाँ किसानों की होती है और ये इसको साथ में लेकर आपको चलना भी पड़ेगा। तो ये हुआ दोस्तों हमारा स्प्रे प्रबंधन। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की, तो चौथा पॉइंट है खाद का समय। खाद का समय वही कि आप सुबह और शाम यदि पानी देते हैं तो उसी समय पर आप खाद दें। शाम को अधिकतर खाद दें तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, सुबह के समय आप ना दें खाद, क्योंकि नाइट्रोजन बेस्ड जितनी भी खाद होती हैं वो खासकर जैसे ही उसमें धूप पड़ती है तो वो वाष्पीकृत होकर उड़ जाती हैं और आपको पौधे पर उसके रिजल्ट नहीं मिलते। इसलिए आप पहले पानी चला दें और हो सके तो शाम को या रात को आप उसमें खाद की मात्रा दे दें, ठीक है, और 2-3 दिनों में एक बार दें। हर दिन आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा एक्सेस नाइट्रोजन भी ना दें, तो आप देखेंगे कि आपका जो पौधा है वो बढ़िया रहेगा। तो ये रहा दोस्तों खाद का समय। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की, तो लास्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि हार्वेस्टिंग का समय। हार्वेस्टिंग का समय बहुत मायने रखता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं गर्मियों के मौसम पर इस साल तो हमने करेले की फसल नहीं ली है, लेकिन जब हम पिछले 5 सालों से करेले की फसल ले रहे थे, इस साल हमने नहीं ली है कोई भी फसल गर्मियों पर, क्योंकि हमें खेत अपना खाली करना था। तो हमारे जो वर्कर हैं दोस्तों आज भी पिछले 5 सालों से सुबह 6 बजे आते हैं और 10:30 बजे वो घर चले जाते हैं, पूरी दोपहर घर में आराम करते हैं और शाम को फिर 3 बजे आते हैं और 6:30 बजे तक काम करते हैं। तो हम जो हार्वेस्टिंग करवाते थे वो सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक करवाते थे सुबह, और तुरंत आटो में पैक करके या पिकअप में पैक करके हम मंडी पहुंचाते थे। तो हमारे जो करेले के रेट हैं वो दूसरे करेलों की अपेक्षा 5 रुपये हमें तेज मिलते थे। दूसरा फायदा ये होता है कि रात भर में पौधा जो ठंडा रहता है तो फल भी जो है उसमें पानी की जो मात्रा है वो फल में काफ़ी होती है, उससे आपका वज़न भी बढ़ता है। वहीं यदि आप करेले को 12 बजे तोड़ लें या भिंडी को 12 बजे तोड़ लें, 1 बजे तोड़ के आप देख लें, इसका जो वज़न है वो आपको बहुत कम मिलेगा। एक तो उसमें साइनिंग नहीं होगी और वेट भी कम होगा और जो फल है वो मुरझा जाएगा आपका, खासकर जैसे बरबटी हुई, भिंडी हुई, करेला हुआ, आप तो फिर भी एक बार जाके देखें कि आपका फल कैसा दिखता है। तो आपको जो तोड़ाई करवानी है, जो हार्वेस्टिंग करवानी है, वो सुबह के समय करवानी है। आप ऐसा मैनेजमेंट करें, आप अपने वर्करों को समझाएं कि भाई आपको काम तो करना ही है, आप सुबह आ जाओ और सुबह हमारी हार्वेस्टिंग करवा दो। आप चाहें तो जैसे तुरंत आप मंडी नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो भी आप क्या करें कि सुबह तोड़वाने के बाद 2-3 घंटे आप तोड़वा लें 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, और इसके बाद उसको छाए में आप चाहें तो जो हमारी जूट की बोरी होती है उसमें ढाँक कर आप रख सकते हैं और शाम के टाइम पैक करके आप दूसरे दिन के लिए मंडी पहुँचा सकते हैं। तो आपकी जो हार्वेस्टिंग है, जो फल हैं, आपकी जो सब्जियाँ हैं, वो एक तो हरी रहेंगी और उसमें दूसरा वेट बढ़िया आएगा। आप हार्वेस्टिंग के समय का भी ध्यान रखें और हो सके तो सुबह सुबह उसकी हार्वेस्टिंग करवाएं, तो आपको उसमें वेट भी मिलेगा और रेट भी मिलेगा। तो ये रही दोस्तों 5 पॉइंटों के आधार पर गर्मियों के मौसम पर रखी जाने वाली सावधानियां अपनी फसल को बचाने के लिए और ज़्यादा लाभ कमाने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल ने दिया अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वीडियो की विशेष बात की। तो वीडियो की विशेष बात ये है कि आप देखते हैं कि गर्मियों के मौसम पर फूल जो है फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते, फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या। तो फ्लावर ड्रॉपिंग रोकने के लिए हमें 2 कार्य करने पड़ेंगे। पहला तो आपको पता ही है कि आपको कैल्शियम बोरान की मात्रा उसमें देनी है, दूसरा आपको जिंक भी साथ में देना है, और तीसरा और सबसे मुख्य पॉइंट ये है कि आप देखते हैं कि गर्मियों पर ज़्यादा पानी आप देते हैं, आप हर दिन पानी देते हैं उसमें, तो आपको गर्मियों के दिनों पर जिस समय आप देख लें कि आपका जो पौधा है वो फूलों से भरा हुआ है और आपको सिर्फ उसको फल में कन्वर्ट करना है, तो उस समय पर कम से कम 2-3 दिनों के लिए पानी आप रोक दें।
दैवी पानी तो बहुत कम मात्रा में, जितनी पौधों को आवश्यकता है, आपके जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोस्तों ट्रिक है फूल से फल में कन्वर्ट करने की। दूसरा, आप गोदरेज डबल का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं और नाइट्रोजन की मात्रा एक्सेस